हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पेटीएम वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मनी ट्रांसफर ऐप है और रिसेंटली कंपनी ने इस पर काफ़ी मेजर अपडेट पुश किया है जिससे इसके यूआई में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। तो इस वीडियो में हम उसके इंप्रूवमेंट्स कवर करेंगे और बात करेंगे क्या नए फीचर्स आए हैं पेटीएम ऐप में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पेटीएम पर मेजर अपडेट आ चुका है iOS और एंड्रॉयड में। तो इस नए अपडेट में सभी सर्विसेज को प्रॉपरली कैटेगराइज किया गया है विजेट स्टाइल में होम पेज पर ही। जैसे सबसे ऊपर आपको सेंड मनी का सेक्शन मिलता है और सभी पेमेंट ऑप्शन अब यही होम पेज पर ही मिलते हैं। आपको अब कोई सर्विस को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। जैसे फ्रंट में ही आपको ये स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिलता है जो काफ़ी कन्वीनियंट है। अब सेकेंड आपको टू मोबाइल का ऑप्शन मिलता है, आपके सभी रिसेंट ट्रांसफ़र आपको यहीं पर दिख जाएंगे। और अगर आपको दूसरे किसी नंबर पर मनी ट्रांसफ़र करना है तो सर्च करके ओपन कर लेना है। फिर एक चैट स्क्रीन ओपन हो जाएगा जहां आप अपनी चैट्स और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं उस पर्सन के साथ। फिर आपको पे बटन पर क्लिक करके मनी एंटर करना है। फिर आपको सिलेक्ट करना है पेमेंट मेथड और सबमिट करके UPI पिन वगैरह डाल देना है। बस मनी ट्रांसफ़र हो गया आपका। तो चैट सेक्शन के थ्रू ये काफ़ी आसान है अब। बाकी आप यहाँ अकाउंट बैलेंस और हिस्ट्री देख सकते हैं जो बेसिकली आपकी पेटीएम पासबुक है। थर्ड ऑप्शन है टू सेल्फ का, जिससे आप खुद को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैंक अकाउंट के थ्रू। और लास्ट ऑप्शन है टू बैंक अकाउंट, इसमें आपको रिसीवर के बैंक अकाउंट डिटेल्स और UPI ID वगैरह एंटर करना है और काफ़ी इजीली मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके फ़ोन से उसके बैंक अकाउंट में। और अब बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र करने के लिए पेटीएम KYC भी रिक्वायर्ड नहीं है, जो काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। अब बस आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है पेटीएम से और कोई KYC की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। होम पेज पर आपको अकाउंट बैलेंस के लिए भी डायरेक्ट शॉर्टकट मिलता है माय पेटीएम सेक्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन है पेटीएम बैंक, जिसमें जाकर आप इजीली एक सेविंग्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं कुछ ही देर में। पेटीएम वॉलेट तो आपको पता ही है। और लास्ट में ऑल सर्विसेज का ऑप्शन है, जिसमें आपको पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम मनी और पेटीएम फर्स्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। आप यहीं से स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और पेटीएम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंश्योरेंस, बस, फ्लाइट, रेलवे टिकट्स, गेम वगैरह का भी ऑप्शन मिलता है। और बाकी वही पेटीएम फीचर्स है जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट बुकिंग, इंश्योरेंस, लोन एंड ऑल। यहाँ आपको रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का भी विजेट मिलता है, जिसमें मोबाइल या DTH रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड बिल, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल के लिए शॉर्टकट्स मिलते हैं। और बाकी ऑप्शंस देखने के लिए आप व्यू मोर पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ बाकी सारे ऑप्शंस हैं जैसे चालान या फास्टैग पेमेंट और वही सारे फीचर्स जो पहले भी मिलते थे। आपको ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स भी आ जाएंगे अपकमिंग बिल पेमेंट्स के लिए। इस अपडेट की वजह से ऐप काफ़ी ईजी टू यूज़, स्मूथ और फास्ट हो गया है पहले से। तो नेक्स्ट विजेट है लोन एंड क्रेडिट कार्ड का, जहां आपको पेटीएम पोस्टपेड, EMI कैलकुलेटर और फ्री क्रेडिट स्कोर देखने का ऑप्शन मिलता है। और यहीं से आप लोन का पेमेंट भी कर सकते हैं अपना वेंडर सिलेक्ट करके। आप एनिमेशंस देख सकते हैं कितने स्मूथ है आप इस ऐप में। मुझे तो ये अपडेट काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट विजेट है टिकट बुकिंग का, जिसमें आप ट्रेन, बस, फ्लाइट या मूवी टिकट्स परचेज कर सकते हैं या फिर फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट विजेट है इंश्योरेंस का, और आप पेटीएम से अपनी बाइक, कार या मेडिकल इंश्योरेंस की भी पेमेंट कर सकते हैं। शॉप ऑन पेटीएम मॉल तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो पेटीएम मॉल में आपको सभी चीज़ों पर एक से एक डील्स देखने को मिलती है, चाहे वो क्लोथ्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और मैंने पर्सनली इससे काफ़ी शॉपिंग की है और अच्छे डिस्काउंट्स और कैशबैक्स भी मिले हैं मुझे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पेटीएम पर कैशबैक्स का फीचर है, तो नेक्स्ट सेक्शन उसी का है। इसमें आपको गिफ्ट कार्ड्स वगैरह भी मिलते हैं फ्रॉम डिफरेंट रिटेल ब्रांड्स। तो नीचे स्क्रॉल करके आप ग्रोसरी, क्लोथिंग, फूड, ज्वेलरी और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों पर गिफ्ट कार्ड्स देख सकते हैं और इन्हें अप्लाई कर सकते हैं यहीं से। बाकी आपको पेटीएम मेंबरशिप और वाउचर्स का ऑप्शन मिलता है। ऐप में बीच बीच में आप ऐसे कलरफुल विजेट्स भी देख सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और लास्ट में है डिस्कवर पेटीएम विजेट, जो आपका पेटीएम मिनी ऐप स्टोर है। तो आप यहाँ से इन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पेटीएम से इन ऐप्स पर शॉप करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। कैशबैक एंड ऑफर्स में जाकर आप इन कार्ड्स को स्क्रैच करके कैशबैक पॉइंट्स जीत सकते हैं और ऊपर देख सकते हैं कि आपने कितना कैशबैक और पॉइंट्स अर्न किए हैं। बाकी नीचे आप देख सकते हैं डिफरेंट कैशबैक ऑफर्स जो आप रिडीम कर सकते हैं गेम वगैरह खेलकर। बाकी 24/7 हेल्प सपोर्ट का भी ऑप्शन दिया है नीचे, और आप तो जानते ही हैं कि पेटीएम की सर्विस कितनी अच्छी है। बट एक और काफ़ी कन्वीनियंट फीचर आया है इस अपडेट में, और वो ये है कि टॉप लेफ्ट में प्रोफाइल को क्लिक करके आप यहीं पर अपना UPI ID देख सकते हैं। और ये काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि पहले आपको अपना UPI ID काफ़ी ढूंढना पड़ता था, बट वो अब सामने ही अवेलेबल है। अपने UPI ID को आप यहीं से कॉपी करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं WhatsApp या दूसरे किसी मैसेजिंग ऐप के थ्रू।
QR कोड भी आपका यहीं पर विजिबल है और आपको यहीं से डायरेक्टली QR कोड सेंड करने का भी ऑप्शन मिलता है, तो ये भी काफ़ी कन्वीनियंट फीचर लगा मुझे इस अपडेट में। नीचे और कोई चेंजेस नहीं है, वही ओल्ड ऑप्शंस है। तो ये सारी चीज़ें जो पेटीएम ऐप में ऐड हुई है और इसका यूज़र इंटरफेस रीडिज़ाइन हुआ है, ये पेटीएम ऐप यूजेज के एक्सपीरियंस को और भी बेटर बना देगा आप लोगों के लिए। टॉप राइट कॉर्नर में चैट के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट भी मिलता है। तो पहले मैंने जैसे आपको बताया कि चैट के थ्रू आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके लिए भी डायरेक्ट शॉर्टकट बटन दिया गया है ऐप में। और अगर आपने अब तक पेटीएम ऐप को अपडेट नहीं किया है तो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर जल्द से जल्द अपडेट कर लीजिए इन फीचर्स का लाभ उठाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पेटीएम से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे ही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।